आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस का। हम ये पढ़ना शुरू करेंगे बेटा। इसमें एक बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो उसको तो हमने जरा जल्दी कवर करना है बेटा, क्योंकि हमारे पास और मटेरियल पढ़ने का है। आपका जरा सेक्शन भी लेट स्टार्ट हुआ था, तो हमने ठीक ठाक मटेरियल कवर करना है। ओके अच्छा बेटा, मैं रीडिंग करने के लिए कहूँगा। तो हमारे पास है कहाँ गए हसीब बेटा, माइक पर आओ जरा। हसीब बेटा माइक पर आइए आप। हसीब माइक पर आओ बेटा। हसीब मेरा बच्चा क्या हो गया, कहाँ चले गए, गुम हो गए क्या? माइक पर आओ मेरा बच्चा, क्या हुआ? हसीब भाई गायब हो गए माशाल्लाह से। चलो ठीक है, बस सर, आ गए। यस हाँ, सर, कहाँ थे, कहाँ चले गए थे भाई? ठीक आ गया है ठीक है। तो सर। वो हसीब भाई गया हुआ है, मैं अब्दुल हन्नान हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही जा रहे हो। ठीक है बेटा, जरा एक काम करो, यहाँ से जरा पढ़ना शुरू करो। यूनाइटेड नेशन का चैप्टर इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, बेटा यहाँ से पढ़ना शुरू करो। शाबाश, शुरू हो जाओ। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज कमिंग टू एन एंड। द वॉर हैड बोथ मिसरी टू ऑल द वर्ल्ड। मिलियंस ऑफ पीपल हैड बीन किल्ड एंड वाउंडेड। दिस इंक्लूड वुमेन एंड चिल्ड्रन। मिलियंस ऑफ पाउंड्स वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी हैड बीन डिस्ट्रॉयड। मिलियंस ऑफ पीपल हैड बीन मेड होमलेस। मिलियंस सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी, हंगर एंड डिजीजेस। द कॉन्साइंस ऑफ मैन वॉज रोस्ट। मैन वॉन्टेड पीस, लेट देयर बी एंड टू वॉर। लेट देयर बी पीस एंड गुड विल ऑन अर्थ। लेट मैन लाइव विथ इज फॉलो मैन एज ब्रदर विथ ब्रदर। सो प्रेड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। आगे पढ़ दे, द बड़ा खुश ह्यूमन रखूंगा। रेस वॉज ड्राइंग क्लोजर टूगेदर। द टेलीफोन द टेलीग्राफ द वायरलेस वेयर हेल्पिंग द क्विक एक्सचेंज ऑफ न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। द एरोप्लेन वॉज लिंकिंग डिस्टेंस पास्ट ऑफ द वर्ल्ड। इग्नोर्स पॉवर्टी डिजीजेस ऑपरेशन इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर हैविंग देयर इफेक्ट ऑन अदर पार्ट। द वर्ल्ड वॉज बिकमिंग वन इन सम टाइम्स सम थिंग्स। वाई शुड इट नॉट बिकम वन इन ऑल। So the nations of the world came together in April 1945 and organized the UNO, United नहीं बेटा, States बात सुनो बात सुनो, Organization इसे of the बात सुनो बात सुनो United बात सुनो। Nations. अरे अरे अरे, जज्बाती रुक जाओ। इसे उनो मत पढ़ो, इसे पढ़ो यूएनओ। उनो नहीं पढ़ते इसको, क्या पढ़ते हैं इसको? यूएनओ, अलग अलग करके पढ़ो। UNO, हाँ UNO, शाबाश, आके पढ़ो। UNO, United Nation Organization or the UN. United Nation for short. Let us not turn our eyes away from the suffering of our neighbors. Stretch the hand of brotherhood to one and other. Let us unite to make the world a happier and better place. And let there be peace and happiness in the world, they cried. The बस रुको UN रुको रुको was रुको 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 thus रुको रुको thus रुको, रुक जाओ मेरा बच्चा, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ तक रुक जाओ। शाबाश, मैं यहाँ तक पढ़ के, एक काम करो, तुमने यहाँ तक पढ़ लिया है और यहाँ तक पढ़ लो। क्या कहते हैं, ये छोटा सा पैराग्राफ आ रहा है, देख एज ए कैन तक, समझिए कहाँ तक पढ़ना है बेटा, यस यस यहाँ तक द पढ़ो जरा। यूएन वॉज थस बॉर्न इन अप्रैल 1945 एंड इज टुडे द स्पेयर हार्ट ऑफ द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन अगेंस्ट इविल ऑफ ऑल काइंड्स। द यूनाइटेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड मीट इन न्यूयॉर्क इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दे टॉक ओवर अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ पीस एंड वॉर एंड ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन टू एज मैनी ऑफ दीज एज दे कैन। अब देखो बेटा, ठीक है, यहाँ तक तुम लोगों ने पढ़ लिया। मेरे बच्चों जरा ध्यान रखना सारे के सारे, क्योंकि हम लोग न्यू न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तमाम बच्चे जरा अलर्ट होकर सुनो मेरे बच्चों, ठीक है बेटा। यहाँ लिखा है हमारे पास थर्ड चैप्टर के बारे में, द यूनाइटेड नेशंस। अब देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, मेरे बच्चों जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अभी तक दुनिया में जो रिकॉर्ड्स के मुताबिक हमारे पास जंग मौजूद हैं, वो हैं कहते हैं कि दो वर्ल्ड वॉर हुई है, ठीक है। बोल रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म हुई है 1945 में,
ठीक है ना, और बोल रहे हैं स्प्रिंग में तकरीबन तकरीबन मतलब बहार जब शुरू हुआ था, मतलब के फेब के आखिरी में ये अख्तिताम की तरफ जा रही थी। और एक आपको एक बात बताऊं, ये शुरू कब से हुई हुई है, 1939 से शुरू हुई थी, 6 साल जंग हुई थी, 6 साल। बहुत बड़ी बात है ये छोटी मोटी बात नहीं कोई है, ठीक है ना। तो इस बात को मेरे बच्चों समझो कि ये अगर इस तरह के आप सोचो, इतनी देर तक लड़ाई होती रही, तो मेरा बच्चा समझ लो तबाही किस कदर फैली होगी, किस कदर तबाही फैली होगी। यहाँ लिखा हुआ है कि ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोग मारे गए, घायल हो गए, वो मतलब शायद लाइफ टाइम के लिए बेचारे माजूर हो गए, उनकी किसी की टांग नहीं, किसी का बाजू नहीं, पाँव नहीं, हाथ नहीं, किसी की आंख खराब, ये वो कर करा के मतलब हर तरह का नुकसान, जानी नुकसान, माली नुकसान, कुछ लोग बेघर हो गए, कुछ लोगों के जो पूरी जिंदगी भर की कमाई थी वो तबाह हो गई, पूरे पूरे इलाके शहर तबाह कर दिए गए। और कह रहे हैं कि लोग सिर्फ और सिर्फ जंग की वजह से नहीं मरे, गुर्बत से ही मरे, भूख से मरे, बीमारियों से मरे, इसके अलावा जो वहां पर गैसेस थी उनसे मरे। मतलब आप सोचो मेरे बच्चों, ये कैसी कैसे उन लोगों ने सामना किया उस चीज का। लेकिन कहने के वक्त गुजरने के साथ जब लोगों की डेथ बढ़ती गई, एक इंसान में चीज है, उसने क्या किया, लोगों ने कहा यार जंग बहुत हो गई है, अब जंग को रोकना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज जब लिमिट से बाहर निकलने लगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, वो कुछ भी हो, कुछ भी हो। जैसे कि एक मरतबा मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी प्यारी सी चीज़ है कि जो एक रूमी साहब है, उनसे पूछा गया, मौलाना रूमी साहब से, कि अगर जहर क्या है, जहर क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि हर चीज की ज्यादती जहर है, ज्यादती जो है ना वो जहर कर देगी आपको। आप कुछ भी चीज जब एक्सट्रीम पे जाके करोगे, आप ज्यादती करो, आप गलत करो, क्योंकि इसका मतलब आप इंसाफ नहीं कर रहे, कुछ भी करो आप, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे से क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं चाहे अगर आप कोई चीज कर भी रहे हो अब तो, और अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे, करो भाई अपने घर वालों, इवन क्या आप इबादत कर रहे हो करो, लेकिन भाई अपने घर वालों के लिए भी तो टाइम दो, ठीक है, उनका हक है आप पर, तो ये गलत होगा आपके लिए, करो इबादत करो, बिल्कुल करो, लेकिन भाई आप पर और भी हक, आप पे और भी फराइज है, आपने उनको भी अंजाम देना है। मतलब यहां तक समझ लो, इतनी प्यारी सी बात, किसी चीज को एक्सट्रीम पे मत लेके जाओ, वरना सिर्फ मेरे बच्चों तबाही का शिकार होगे और कुछ भी नहीं मिलेगा। सेट है, आगे लिखा हुआ क्या, कह रहे हैं कि वक्त गुजरने के साथ, अच्छा इसको ना इसने पढ़ा था कॉन्साइंस, इसे कॉन्साइंस ही पढ़ते, इसे पढ़ते हैं कॉन्शियंस, कॉन शी अंस, तो बन गया कॉन्शियंस, ठीक है। इसे बोलते हैं जमीर, तो इन लोगों का जमीर जागा कि यार हम क्यों लड़ रहे हैं, फिलहाल वजह बर्बादी का सबब बन रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम जंग नहीं लड़ेंगे, अब लड़ाई नहीं होगी, और हम सारे मिलके जुल के एक साथ रहने की कोशिश करेंगे। अभी सिर्फ डिसाइड हो रहा है, अभी सिर्फ अहद कर रहे हैं, पक्का नहीं हुआ अभी। अब देखते हैं अगले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये दरअसल हुआ क्या कि इंसान जो है ना, दरअसल दिन ब दिन करीब होते जा रहे थे कि टेलीफोन उस दौर में, क्योंकि मेरे बच्चों हम 1945 की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे, तब और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, टेक्नोलॉजी में बहुत फ़र्क है। तो कह रहे हैं कि भाई उस ज़माने में टेलीफोन, टेलीग्राफ, जो ये चीज़ें थी वायरलेस वगैरह, ये क्या हो रही थी, दुनिया में कॉमन होती जा रही थी। और बोलने के एरोप्लेन क्या कर रहा था कि दुनिया के दूर दराज के जो इलाके थे उनको कनेक्ट करता जा रहा था, इवन के इग्नोरेंस, गुर्बत, मतलब कि जो लोग वगैरह, लोगों की जो इग्नोरेंस थी, पॉवर्टी थी, बीमारियां थी, जुल्म था। और एक जगह पर दुनिया में अगर कहीं पर इस तरह की गलत काम हो रहे हैं, तो उसका असर दूसरी जगहों पर भी होता था। अब आप बोले सर ये कैसे, अगर एक जगह पे कुछ हो रहा है तो उसका असर दूसरे पे कैसे होगा, एक जगह पे अगर बुरे हालात है तो उसके दूसरी जगह पे मुल्क के बुरे हालात कैसे होंगे। आप समझ लो मेरे बच्चों कि हम सब के सब क्या हैं, हम सब के सब मुल्क हैं। हर बच्चा जो अभी इस क्लास में मौजूद है, अपने आप को इमेजिन कर ले यार मैं एक मुल्क हूँ, हर कोई ये समझ ले। अब खुद सोचो, मिसाल के तौर पे अगर आप एक मुल्क हो, मैं आपसे डीलिंग करता हूँ, आप मुझसे डीलिंग करते हो, तो होगा क्या कि हमारी अगर आपस में डीलिंग्स चल रही हैं, इसका मतलब हम और आप आपस में क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, इसका मतलब दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। लेकिन मेरे मुल्क के अगर हालात खराब हो जाए, ठीक है, मेरा मुल्क अगर तबाही का शिकार हो जाए, अब ऑब्वियस सी बात है, एक मिनट रुक जाओ बेटा, आवाज बेहतर है मेरे बच्चों, क्या आवाज बेहतर है, आवाज अब आपको मेरे बच्चों क्लियर आ रही है या अभी नहीं आ रही बेटा? एक दो बच्चों ने मैसेज किया है कि सर आपकी आवाज कट रही है। मेरे बच्चे आप क्लियर आ रही है आप लोगों को आवाज, काइंडली जरा जिस, ठीक है बेटा, ओके बेटा, बस बता दिया करो, क्योंकि जरा थोड़ा बहुत इस तरह के आपको पता है कि इश्यू हुआ करेंगे, आप खुद भी समझ सकते हो मेरे बच्चों वाली बात, सही है ना।
अच्छा जयान बेटा, अब आप बोल रहे हो कि नहीं आ रही, वरना बाकी बच्चों ने कह दिया कि सर क्लियर आ रही है, ठीक है ना? तो बेटा इसके मतलब मेरी तरफ से इशू नहीं है, स्टिल तरह थोड़ा ध्यान दो, हैंड फ्री वगैरह निकाल के देखो। खैर, हम बोल रहे थे कि अब क्या हुआ भाई। अरे मेरा बच्चा, चलो जरा देखते हैं, कुछ करते हैं इसको भी, ठीक है। अच्छा अब क्या लिखा हुआ यहाँ पर, कह रहे हैं कि अब हुआ कुछ इस तरह से कि जब लोगों ने इस तरह से जब बर्दाश्त करना शुरू। हाँ, मैं आपसे बोल रहा था कि हम सब दोनों मुल्क हैं, आप और मैं डीलिंग करते हैं, आप और मैं, हम दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मेरे मुल्क के हालात खराब हो गए, तो मैं क्या आपसे मतलब बिजनेस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं बिजनेस करने की सलाहियत ही खो दूंगा तो भाई आप और मैं जो डीलिंग कर रहे थे, तो आपका प्रॉफिट तो मारा गया ना, आपका प्रॉफिट मारा गया, तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते, आगे कुछ नहीं हो रहा तो वो आगे कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि मुल्क अगर एक मुतासर हो जाए बुरी तरह से, तो मेरे बच्चों पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं असरात आते हैं, कहीं ना कहीं पर असरात आते हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि भाई इस चीज को क्यों हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, इसको खत्म क्यों नहीं किया जा रहा। तो आगे क्या बोल रहे हैं कि आखिरकार अप्रैल 1945 में क्या हुआ भाई, कि दुनिया के अलग अलग मुल्क एक साथ आए, जुड़े, और उन्होंने मिलकर क्या किया, एक वजूद में लेकर आया ऑर्गेनाइजेशन, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आप चाहो तो UNO बोल दो, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस बोल दो, या सिंपली UN बोल दो, यूनाइटेड नेशंस, एक ही बात है, कोई गलत नहीं है, बट ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। और बोल रहे हैं कि बेसिकली इन्होंने अहद क्या किया कि अब जो दुनिया में आसपास के हमारे ममालिक में जो जुल्म हो रहा है, जो बेचारे लोग मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, इनको हम इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि अपना हम क्या करेंगे, एक भाईचारे का हाथ आगे बढ़ाएंगे, उनकी मदद करेंगे, हम सब मिलकर दुनिया को एक ऐसी जगह बनाएंगे कि जो बेहतर हो और ज़्यादा खुशी की जगह हो। और यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हम खुशियाँ फैलाएंगे, अमन अमान कायम करेंगे हर जगह पर, हर जगह पर। और कह रहे हैं इसी तरह से जब इन लोगों ने ये अहद किया, तो आखिरकार अप्रैल 1945 में UN जो है वजूद में आई। और कह रहे हैं कि आज जो है ये UN क्या है, बल्कि दुनिया के लिए कह रहे हैं एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा हथियार है, जिससे ये तमाम मामलात को ये फेस करते हैं। और क्या बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के जो मतलब के ये है ना, ये तो दुनिया के जो यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं, ये कहाँ मिलते हैं, ये न्यूयॉर्क में मिलते हैं, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, मतलब ये न्यूयॉर्क में ऑफिशियली मिलते हैं। और यही नहीं बल्कि वो बहुत सारी अर्जेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, और अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि किस तरह से इनसे हम मतलब के डील कर सकते हैं, कैसे 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 इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ गए, अरे भाई फरहान जरा माइक पर आओ, जरा फरहान माइक पर आओ बेटा। यस मेरा बच्चा आवाज कट रही है क्या अभी? सर कर आवाज ड्रॉप हो जाती है आपकी। मेरी आवाज मतलब एकदम ड्रॉप हो जाती है क्या? मतलब यहाँ पे मैं हल्के बोल रहा होता हूँ। सर आवाज बिल्कुल कभी म्यूट हो जाती है सर। आपका जो UNO वाला था सर उसके बाद फिर आवाज म्यूट हो गई, फिर अब अभी आना शुरू हुई है। अच्छा, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, ठीक है, थोड़ा बहुत जरा थोड़ा सा बेटा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है फरहान, ओके मेरा बच्चा, ओके सर। ठीक है, वैसे ये नहीं, ठीक है। अब जरा बेटा यहाँ पर आ जाओ, जरा आपने अगर कोई पॉइंट मिस किया है तो मेरा बच्चा बताओ, मैं आपके लिए रिपीट कर दूंगा, बताओ कोई पॉइंट ऐसा जो आपने सर पूछना हो, UNO से रिपीट कर दीजिए सर। ये वाला पॉइंट यहाँ यस से। सर। बेटा यहाँ पर उन्होंने अहद किया था कि आइंदा के बाद जो है हम क्या करेंगे, दुनिया में आसपास जो है हम इग्नोर नहीं करेंगे अगर कहीं पर बुरे मामले आते हैं, बल्कि उनकी मदद करेंगे, उनकी तरफ भाईचारे का हाथ बढ़ाएंगे, और हम दुनिया को एक खुशहाल जगह बनाएंगे और बेहतर जगह बनाएंगे, जहाँ पर लोग पुरअमन तरीके से जिंदगी गुजार सकें। और बताओ ये वाला पढ़ा दिया, UN वाला जो मैंने कहा था 1945 में वजूद में आई, ये पढ़ लिया मेरा बच्चा, ये वाला पॉइंट पढ़ा, यस सर। ठीक है। तो बेटा अब आप जरा यहाँ से रीड करना शुरू करो, यहाँ से द UN डील्स विद क्वारल्स, यहाँ से पढ़ो बेटा। आप बुक से पढ़ोगे, स्क्रीन से पढ़ोगे? हाँ सर स्क्रीन से पढ़ लेते हैं। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, पढ़ लो, शाबाश। द यूएन डील विद द क्वारल्स दैट माइट लीड टू द वॉर अमंग द नेशन। द एम ऑफ द यूएन इज टू प्रिवेंट वॉर इन द वर्ल्ड एंड टू रीच अ स्टेट ऑफ लास्टिंग पीस। जनरल कंडीशंस ऑफ लाइफ आर मोर और लेस अनसेटिस्फैक्टरी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस और सर स्लाइड नीचे। हाँ बोलो बोलो बोलो। दिस, अरे अरे तुमने दिस पढ़ लिया है, मैं खुद नीचे लेकर आ रहा हूँ, पढ़ो, आ गया, पढ़ो।
नेक्स्ट पेज है वो पढ़ो, अनसैटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स पढ़ो मेरा। अच्छा अनसैटिस्फैक्टरी स्टेट्स ऑफ अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मच दिस कंटेंट एंड अमंग कंटिन्यूड डिसकंटेंट एंड सॉरी डिसकंटेंट मे लीड टू वॉर। वन अवे ऑफ प्रिवेंटिंग वॉर इज टू रिमूव एज मेनी कॉजेस ऑफ द डिसकंटेंट एज पॉसिबल। सो द यूनाइटेड नेशन हैव सेट्स देमसेल्व्स to study living condition in the all parts of the world and to help in the fight against poverty, ignorance, diseases and social and the political injustice. Prevent a war is difficult. It is a part of high politics feeling the runs high attempts to being about the peace are open to misunderstanding set them further. सर बहुत तेज लेके जा रहे हो पर सर आप। अच्छा वही पर है पढ़ो। अरे तुम ड्रैग कर सकते हो, स्क्रीन में सब कुछ है, मैंने स्क्रीन में दिखाया, तुम आगे पीछे कर सकते हो। तुम अगर मोबाइल पे पढ़ रहे हो आराम से पढ़ लोगे, चेक करो जरा। यस सर मैं ज़ूम कर रहा हूं। बस ठीक है कर लो आराम से। अ पार्ट द पाथ ऑफ द पीसमेकर इज Indeed hard. The UN has succeeded in a few cases in being peace where there was no peace before, but in a great many cases in the result have not been satisfactory. The world is full of little quarrels between the nations. Any one of these little quarrels might be responsible for the outbreak of a new world war. But let us not disappear for there is one part of the work of the UN that fills us with the hope. This is the work of fighting social evils. अच्छा मेरे बच्चों, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हमारे पास बात लिखी हुई है, कह रहे हैं कि अगर हम बात करें यूएन के बारे में तो भाई इनका जो असल मामला है ना, कि वो जो असल टारगेट है, जैसे कि मेरे बच्चों हम एक घर की बुनियाद रखते हैं, तो कह रहे हैं कि ये यूएन की जो बुनियाद है ना, वो बुनियाद क्या है, टू प्रिवेंट वॉर, दुनिया में जंग नहीं होने देनी, असल मकसद ये, मतलब बाकी तमाम मामला को देखना है, लेकिन कह रहे हैं जो पहला और सबसे टॉप का पॉइंट है वो क्या है कि दुनिया में जंग नहीं होने दें, कुछ भी किस्म की जंग आपके पास ना हो। अब बोल रहे हैं कि और इसके साथ साथ दुनिया में हमने अमन अमान कायम करना है, कुछ भी हो जाए कि दुनिया में क्या करना है, अमन अमान कायम करना है। अब कह रहे हैं कि अगर आप बात करें जनरल कंडीशंस ऑफ लाइफ पूरी दुनिया में, मतलब कि जैसे कहते हैं जनरल कंडीशन का मतलब क्या होगा बेटा, रहने सहने के तरीके, जो सिविलाइजेशन होती है, अगर हम उसकी बात करें तो पूरी दुनिया में वो अनसेटिस्फैक्ट्री, मतलब लोग सेटिस्फाइड नहीं है उससे। लोग बोलते हैं क्या अजीब वगैरह मामला है, लोग सेटिस्फाइड ही नहीं है, और लोग सेटिस्फाइड ना हो, खुश ना हो, जाहिर सी बात है मामला खराब होंगे। जैसे कि आगे क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि क्योंकि जब लोग अनसेटिस्फाइड होते हैं तो उस वजह से लोगों में ऐसे जज्बात जन्म देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके दिल में वो पूरी चीज़ आती है कि भाई, और अगर एक इंसान बर्दाश्त करता जाए तो क्या हो सकता है कि जंग की तरफ मामला जा सकते हैं। और आगे से क्या बोल रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि इनमें से जितनी ज़्यादा वजूहत पब्लिक का, आवाम की वजह से जो उनको गुस्सा दिलाने में, उनमें जो इस तरह के जज्बात उभारने में अपना किरदार अदा करती हैं, उन तमाम प्रॉब्लम्स को हम साइड करते जाएं। लिहाजा क्या बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने क्या कर लिया है, वो चाहते हैं कि भाई उनको पता है कि जंग सिर्फ और सिर्फ मुल्कों के बीच में नहीं होती, बल्कि एक ही मुल्क के जो बाशिंदे रहने वाले लोग हैं उनके बीच में भी जंग हो सकती है। क्या कोई मुझे बताएगा कि इस जंग को क्या बोलते हैं, जो एक ही जगह पर रहने वाले जो लोग होते हैं अगर आपस में वो खुद ही लड़ पड़े तो क्या होगा? जैन मेरा बच्चा, मैं तुमसे रीडिंग करवाता हूँ, फिक्र नहीं करो, अगला तुमसे पढ़ा दूँ ताकि तुमको होगा। हम्माद शाबाश बेटा, गुड। जैन जरा बेटा तुमसे अगला पैराग्राफ तुमसे रीड कराता हूँ, फिक्र नहीं करो, सामने सामने समझ लेना मुझसे। हाँ भाई बताओ, हम्माद का सही आंसर है, बताओ भाई, अगर एक ही जगह के रहने वाले लोग आपस में ही लड़ पड़े हैं तो मेरे बच्चों क्या बोलोगे इनको, जल्दी बताओ, इस जंग को क्या बोलोगे आप लोग? नहीं आइडिया,
चलो मैं खुद बदलता हूँ बेटा, इसे बोलते हैं सिविल वॉर। अगर एक जगह के लोग आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दें, ये सिविल वॉर कहलाती है। और सिविल वॉर में मुल्क को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि अपने ही बाशिंदे आपस में लड़ रहे होते हैं। आप दुश्मन का नुकसान नहीं कर रहे, लोग आपस में लड़ झगड़ के अपना नुकसान ही कर रहे हैं। तो लिहाजा यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा कि भाई हमें सिर्फ दो मुल्कों के बीच में जंग नहीं रोकनी, बल्कि हमने हर तरह की जंग को रोकना है। अच्छा, एक होता है जंग को रोकना इस तरह से कि जंग की शुरुआत हो चुकी है और आप उस जंग को रोक रहे हो, ठीक है। मेरे पीछे थोड़ा वेट करो, अजान हो रही है, थोड़ा सब्र, ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अजान हो रही है, थोड़ा सब्र करो। बिस्मिल्लाह। चलो मेरे बच्चों, बेटा हम यहाँ बोल रहे थे कि हाँ किस तरह से उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई हमें इन तमाम मामलों से डील करना पड़ेगा ताकि हर तरह की जंग से हम क्या कर सकें, छुटकारा हासिल कर सकें। लेकिन आगे बहुत प्यारी बात कही उन्होंने, वो क्या, वो कह रहे हैं कि जंग को रोकना कोई आसान काम थोड़ी है, बल्कि जंग रोकना बहुत मुश्किल काम है भाई, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और कह रहे हैं कि जब यूनाइटेड नेशंस भी कहते हैं अगर रुकवाने जाती है तो उनके लिए कोई आसान मामला थोड़े, बेशक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर ये काम करने जा रही है तो इसको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं होगा। बल्कि बोल रहे हैं अक्सरियत तो ये हुआ है कि यूएन फेल हुआ है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जब आप ऐसे मामलात को डील करोगे, अब आप ऐसे आप इस अप्रोच से जा रहे हो कि यार मैं जो है क्या करूंगा यहाँ पे, मतलब इस चीज़ को मैं डील करके ही जाऊंगा, मैं मतलब आराम से फेस कर लूंगा, मसला नहीं है। आप वहां पर गए, आप मेरे बच्चों जा रहे हो कि दोनों मुल्कों में अपने अमन अमान कायम करना है, क्या पता आप बात करने गए मामला और बिगड़ गए। ऐसा होता है ना कभी कभार कि सुलह करवाने जाओ मामला और बिगड़ गए, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा कि प्रिवेंट करना है मेरे बच्चों, ऐसे नहीं कि जंग शुरू हो जाए, बल्कि अगर आपको जंग के आसार भी नजर आ रहे हैं तो आपने आसार के होते हुए वही मार दो। मतलब बोलते हैं ना, एक बोलते हैं ना, एहतियात इलाज से बेहतर है, तो एहतियात करो, वो ये बोलते हैं। मतलब मकसद ये है, इलाज तो होने की नौबत ही ना आए ना, इलाज होने की नौबत आएगी फिर तो समझो मामला बहुत आगे निकल गए, आपके हाथ से वो चीज़ ही निकल गई। तो कह रहे एहतियात करो, इलाज की जरूरत ही ना है, लेकिन अगर इलाज की जरूरत आ गई तो ऑब्वियसली बात है वो भी करना है, मकसद ये। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाली चीज़। तो बोल रहे कि इसीलिए अक्सर ऐसा हुआ, अब जरा खुद देखो क्योंकि ये मामलात कितने ख़राब हैं, तो इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस को अक्सरियत क्या हुआ है, नाकामी मिली है। मतलब उनका रिजल्ट अच्छा नहीं था इन मामलात में, और
बहुत कम ऐसा हुआ है जहां पर यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन ये बोल सकती है कि हाँ भाई हमें इन मौकों पर कामयाबी मिली है। अब जरा आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। जैन है हमारे पास, लेट्स सी किस बच्चे से पढ़ाए हम। और ये आ गया, ठीक है फरहान बेटा माइक कराओ जरा दोबारा से। फरहान माइक कराओ बेटा। यस सर। बेटा जरा रीड करो अगला वाला पैराग्राफ, रीड करो क्या लिखा हुआ है। मैन एंड वुमन फॉर, सर अजान हो रही है स्टॉप करूं। सर हेलो पढ़ लिया तुमने? सर सर यहाँ पे अजान हो रही है सर, दो मिनट। हाँ अच्छा सर रुक जाओ, तुम एक काम करो तुम रुक जाओ, मैं किसी और से पढ़वा दूँ, मस्त नहीं है ठीक है, वरना तुम नहीं पढ़ो मैं किसी और से पढ़ा रहा हूँ, फिक्र नहीं करो मैं समझ सकता हूँ। अच्छा क्या गए फुजैल बेटा माइक पर आइए, फुजैल माइक पर आओ बेटा, रीड करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, बिल्कुल क्लियर आ रही है बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। पढ़ो सर। हाँ मेरा बच्चा पढ़ पढ़ शाबाश। Men and women from different parts of the world, of different races and religions, sit together, think, plan, and actually work together to improve conditions of life in countries they have not known before. This work brings the workers closer together than anything else can. It also brings them closer to the people of the land which they are trying to help, who would go to war with a people to whose betterment one has given several years of यूनाइटेड नेशंस के हेड हो, समझ लो आपकी जिम्मेदारी है कि दो मुल्कों के बीच में आपने अच्छे मामलात करने, मतलब दोनों के अच्छे ताल्लुकात हो जाए दो मुल्कों के बीच में, तो आप अपनी तरफ से आप सोचो जो आपकी सोच है आप ऐसा क्या करोगे कि जिससे दो मुल्कों के बीच में अच्छे ताल्लुकात हो जाएं, आप क्या करोगे ऐसा बताओ, आपके जहन में क्या आइडिया है इस तरह का कि आप बोलो कि हाँ सर ये करने से ना अच्छे मामलात हो जाएंगे दोनों, मतलब बेहतरी की तरफ मामलात जाएंगे, बताओ। और ऐसा करना कि लॉजिकल आंसर हो, ये नहीं कि सर हम बोलेंगे कि हाँ भाई लड़ाई वो वाला ही नहीं करना कि लड़ाई लड़ाई माफ करो अल्लाह का घर साफ करो, वो वाला सीन नहीं होना चाहिए, पहले बोल रहा हूँ मैं, बताओ क्या करोगे। बोलो भाई जवाब दो चैट पर, मुझे क्या दोगे, किस तरह से करोगे तुम लोग ये काम, अगर तुम लोगों में जिम्मेदारी आती है तो मेरा बच्चा काम कैसे करोगे ये बताओ, कोई तो बताओ। चलो फिजल तुम बताओ तुम कैसे करोगे काम, ये करोगे तुम सर, उनको बुलाएंगे यहाँ पे, उनकी तरफ जाएंगे, उनसे बात करेंगे। अच्छा क्या बात करोगे, क्या बात करोगे सर, मतलब कि किस तरह बताऊं, आप जैसे कि दहा ने कहा है कि सर अच्छे से मिलेंगे गिफ्ट देंगे, बेटा दहा खुद बताओ मुझे अगर गिफ्ट देगे तो सामने वाले को दोगे ना, मुल्क को थोड़ी दे रहे हो, मुल्क के ताल्लुकात बेहतर करने हैं, मतलब कि अगर आप गिफ्ट दोगे तो वो उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर होगा या प्रेसिडेंट होगा आप तो उसको दे रहे होगे, वो तो 5 साल के बाद चले जाएंगे उसके बाद दूसरे आ जाएंगे, तो भाई मामलात ऐसे बनाने हैं कि आने वाले वक्तों तक मामलात अच्छे रहें, समझे मेरा बच्चा, हमने सिर्फ उस प्राइम मिनिस्टर या उस प्रेसिडेंट से अच्छे मामलात नहीं करने, हमने उस मुल्क से अच्छे हालात करने, तो वो कैसे करेंगे। हाँ फरहान बेटा जवाब, आप माइक पर आके जवाब दोगे तो हैंड रेस कर लो, फरहान अगर बेटा तुम माइक पर आके जवाब दोगे तो हैंड रेस कर लो। चलो भाई ठीक है आ जाओ जरा। हाँ मेरा बच्चा फरहान माइक पर आओ बोलो। सर हम कंट्रीज के बीच में सर ट्रेड और सर एक्सचेंज ऑफ गुड्स करेंगे तो सर उससे जो है उनके बीच सर ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, और सर जब एक्सचेंज हो रहा होगा सर उनमें वो होगा तो सर उनमें खुद ब खुद ही वो जो है सर झगड़ा जो है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा सर, यानी कि अगर उनके प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्री में और इस कंट्री के प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर पर डिस्प्यूट चल रहा है सर, तो अब इंडिया से जैसे यहाँ पे
ट्रेड आता था, टमाटर आते थे सर, वो जो है इंडिया ने स्टॉप कर दिए सर. अगर उनकी गुड्स यहाँ पे आएंगी और हमारी गुड्स वहाँ पे जाएंगी तो सर बीच में एक अच्छा रिलेशन होगा. शाबाश, ठीक है, गुड भाई. ये फरहान ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है कि अपनी तरफ से बहुत ज़बरदस्त पॉइंट कहा है सर, मतलब कि अगर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो मतलब कि बहुत अच्छे मामला होंगे. बहुत ज़बरदस्त, अच्छा पॉइंट है, आज की दुनिया से वैलिड है. लेकिन मैं अब आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ जो यहाँ पर हमारी बुक में लिखा हुआ है, और ये तुम लोग खुद बोलो कि हाँ सर ये तो बड़ा आला पॉइंट है. देखो मेरे पूछो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस एक ट्रिक अप्लाई करता है कि क्या, कि देखो हम सब के सब अगर यहाँ जो मौजूद बच्चे हैं, हम सब अपने आप को समझ लें कि हम एक मुल्क हैं. ठीक है, समझो मैं हूँ, लेट्स जस्ट से मैं अच्छा हूँ एजुकेशन में, मेरा मुल्क एजुकेशन में आगे. भाई जो फुजैल है उसका मुल्क जो है स्पोर्ट्स में आगे. अब्दुल हसीब है उसका जो मुल्क है भाई, या जो हन्नान बैठा है, बल्कि हन्नान जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे. दहा जो है वो भाई वो किस चीज़ में आगे, वो मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर में आगे. फरहान जो है इस तरह से और पावर प्रोडक्शन में आगे. मतलब हर कोई क्या है अपनी अपनी फील्ड में कोई आगे निकला हुआ है. अब होगा क्या, हम लोग किस तरह कर सकते हैं. अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने मुल्क से एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाऊँगा और इस टीम को आप सबके मुल्कों में भेज दूंगा. मेरे बच्चों एक बात बताओ, खुद सोचो जरा कि यार एजुकेशन की फील्ड छोटी है, क्या इसको इम्प्रूव करने में कम टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है इम्प्रूव करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. अरे इतना टाइम लगता है कि आपकी सोच है यार, आप खुद सोचो हमारे मुल्क में एजुकेशन का हाल कुछ ये चल रहा है माशाल्लाह से, कि 9th क्लास की जो अभी बुक चेंज हुई है ना, उससे पहले तक तो ये था कि लेटेस्ट विंडोज है XP, और 9th क्लास के और 9th क्लास के 9th क्लास का जो कंप्यूटर का 8वां चैप्टर था ना, उसमें बताऊं क्या पढ़ाते थे, उसमें पढ़ाते थे हाउ टू कॉपी अ फाइल. बकायदा बोलते थे मूव योर कर्सर ऑन द फाइल, देन लेफ्ट क्लिक ऑन द फाइल, देन होल्ड द क्लिक, देन मूव योर कर्सर. अरे अजीबोगरीब बच्चा बोलता था क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, उल्टे बच्चे हमको बोलते होते हैं. और एक और चीज जैसे कि हाउ, ये भी होता है हाउ टू कॉपी अ फाइल, हम बोलते हैं बेटा माउस लेके जाओ, राइट क्लिक करो, कॉपी पे दबाओ. बच्चे बोल रहे होते हैं सर कंट्रोल सी दबा दें कॉपी हो जाएगा. अब क्या कर सकते हैं, ये वाला सीन है. ठीक है, तो एजुकेशन को इम्प्रूव करना आसान बात नहीं है, बहुत बड़ा काम है. मेरे बच्चों एक बात बताओ, मेरा आपसे एक सवाल, सब बच्चों से, सारे चैट में मुझे जवाब दो, आपके ख्याल से अगर पाकिस्तान में क्वालिटी टॉप क्लास की हो जाए, एकदम टॉप हाई क्लास की, मतलब बिल्कुल समझ लो, मतलब आगे कुछ है ही नहीं, समझ लो इतना आगे, इतनी एडवांस कर ली, आप बताइए आपके ख्याल से हर फील्ड में एजुकेशन अगर इतनी एडवांस हो जाए तो आपके ख्याल से कितना टाइम लगेगा इसमें? तुम लोग सारे चैट पे बताओ कितना अर्सा लगेगा इसमें. और याद रखना करप्शन वगैरह बीच में होती है, ठीक है, तो बताओ भाई कितना अर्सा लगेगा, अगर जान मार दो फिर भी. एक मिनट को मेरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है बेटा. अगर मेरी आवाज किसी एक को भी जा रही है ना, इसका मतलब मेरी तरफ से मस्ता नहीं है बेटा. अगर मेरी आवाज किसी एक को भी प्रॉपरली जा रही है ना, इसका मतलब फिर मसला मेरी तरफ से नहीं है. ठीक है, चलो भाई हमारे पास अलग अलग आंसर आए. कुछ बच्चे बोल रहे हैं 10 साल, कुछ बोल रहे हैं 12 साल, कुछ बोल 30 साल. ये वाला सीन है. अब सोचो मैं अपने मुल्क से टीम बना के आपके मुल्क में भेजूं, इतना अर्सा काम करें और उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आपके मुल्क में आ रही है. आपने अपने मुल्क से जिसमें आप एक्सपर्ट हो उससे टीम बना के आपने मेरे मुल्क में भेजी, वो मेरे मुल्क में काम कर रहे हैं. अब क्या हो रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को ग्रोथ कर रहे हैं, दोनों के दोनों बिल्डअप कर रहे हैं. इसकी एग्जाम्पल मैं दुनिया से देता हूँ. मेरे बच्चों खुद बताओ, अगर पाकिस्तान और इंडिया के मामला खराब हों तो सच सच बताओ क्या लगता है, क्या जंग की तरफ बात जा सकती है कि नहीं जा सकती? खुद बताओ यस या नो. अगर पाकिस्तान इंडिया के हालात खराब हों तो खुद बताओ कि यार जंग की तरफ बात जा सकती है कि नहीं जा सकती? जल्दी जल्दी बताओ यस या नो, जल्दी जल्दी जल्दी. हसीब, दहा, फरहान, सुजैर, सारे वजह बचाओ जरा. हाँ जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है. क्यों? क्योंकि हमारे हमने इस तरह से एक दूसरे के लिए काम नहीं किया. ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों अगर पाकिस्तान के मामला चाइना से खराब हो जाए, बहुत बड़ी अनबन हो जाए, आपको क्या लगता है क्या जंग तक बात जाएगी? आपको क्या लगता है कि जंग तक बात जा सकती है? फौरन जंग भी जाएगी? आपको क्या लगता है कि फौरन जंग पे बात जाएगी? यस या नो बताओ, क्या लगता है मेरे बच्चों, क्या फौरन जंग पर बात जाएगी अगर चाइना के साथ हमारे मामला खराब हो? हाँ नहीं जाएगी, ऑब्वियसली बात है. क्यों नहीं जाएगी बेटा? क्योंकि हमारे मामला अच्छे हैं, हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे के लिए काम किया है. समझ रहे हो?
जब दो मुल्क इतना अरसा साथ गुजारते हैं ना तो उनके मामलात इतने खुद ब खुद बिल्डअप हो जाते हैं कि भाई वो लोग फिर तबाही की तरफ नहीं जाते। अगर अनबन हो भी जाए तो क्या होगा? आप बोलोगे नहीं भाई बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन ये काम करवाती है। मेरे बच्चों लेक्चर का टाइम खत्म हो गया, बस एक मिनट बाकी है, क्लास खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अगर कोई सवाल है पूछ लो, कोई सवाल नहीं है तो काइंडली चैट पे बोल दो सर ऑल क्लियर, जल्दी से। कोई सवाल नहीं है तो जल्दी बोल दो वरना क्लास खुद ब खुद खत्म हो रही है कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर। जल्दी मुझे बताओ, जल्दी मुझे बोलो ऑल क्लियर बेटा, सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ। ओके तो बेटा हम लोग इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। क्लास मिस मत करना, चैप्टर है पहले बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके चलो मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।